आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। कश्मीर में चल रही हिंसा को शांत करने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अब पर्दे के पीछे बातचीत का रास्ता अख्तियार किया है। राजनाथ सिंह ने प्रमुख लोगों से दो राउंड की बातचीत की है। ये लोग गैर कश्मीरी मुस्लिम समुदाय से बातें हैं और इस दौरान कश्मीरियों के साथ बातचीत शुरू करने पर चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि पहली मुलाकात 18 अगस्त को 10 लोगों के साथ राजनाथ सिंह के दफ्तर में हुई। इसके बाद दूसरी रविवार को 14 लोगों के साथ हुई। इसमें गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पहली मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर पर काम कर रहे अलग अलग ग्रुप्स की रिपोर्ट पर नए सिरे से विचार शुरू किया गया। इन रिपोर्ट्स पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। घाटी में हालात सुधरने के बाद इन रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में कश्मीर मुद्दा सुलझने की कगार पर था, लेकिन बाद की सरकारों ने वाजपेयी के प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाया। भागवत का ये बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिक हल ही संभव है। भागवत ने कहा, कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हमें कश्मीर के लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना विकसित करनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने वाजपेयी के प्रयासों को याद करते हुए कहा, वाजपेयी कश्मीर मुद्दे का समाधान करने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन बाद की सरकारों ने उनके प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाया। गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गोरक्षा का काम कानूनी दायरे में होने चाहिए। भारत और अमेरिका ने आतंकवादी खतरे को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। दोनों ने एक मल्टी एजेंसी सेंटर के एग्रीमेंट पर साइन किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत अमेरिका के साथ बातचीत करेगा, जिससे भारत को आतंकियों की रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी। गृह सचिव राजीव महर्षि और अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा के बीच इस एग्रीमेंट पर साइन पहले ही हो चुके हैं। इसके अलावा सितंबर के अंतिम सप्ताह में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी अमेरिका में जाएंगे, जहां पर रियल टाइम टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर के बारे में विस्तृत बातचीत होगी। इसके साथ ही आतंकवादियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट का भी आदान प्रदान किया जाएगा और भारत में जो आतंकवादियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट है उनसे जुड़े हुए डोजियर को भी मल्टी एजेंसी स्क्रीनिंग सेंटर के पास दिया जाएगा। भारत की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मास के अरुणाचल प्रदेश में तैनाती पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली के मुताबिक चीन से लगी सीमा पर इसकी तैनाती से इलाके में स्थायित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चीन का ये भी मानना है कि भारत के इस कदम के पीछे टकराव का नजरिया है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि चीन के ऐतराज के बावजूद ब्रह्मोस की तैनाती चीन से लगी सीमा पर की जाएगी, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए ऐसे हथियार तैनात कर रहा है। वैसे अभी अरुणाचल में ब्रह्मोस की तैनाती हुई भी नहीं है, लेकिन चीन का रुख सामने आ गया है। फिलहाल सरकार ने बस इस बात की मंजूरी दी है कि अरुणाचल में ब्रह्मोस की 4th रेजिमेंट की तैनाती की जाएगी। इसमें करीब साल भर लग जाएगा। उपराज्यपाल नजीब जंग ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पूर्व SOD नवलेंदु कुमार और एक अन्य अधिकारी को DUSIB के लिए नियत भूमि को कथित तौर पर निजी पक्ष को सौंपने को लेकर निलंबित कर दिया है। फिलहाल ADM के तौर पर तैनात सिंह और SDM अमित कुमार पमासी को निलंबित किया गया है। ADM के सी सुरेंद्र को भी गृह मंत्रालय द्वारा निलंबित रखने की सिफारिश की गई है। एक सूत्र ने बताया कि NK सिंह ने भलसवा में प्रमुख भूमि को निजी व्यक्तियों को सौंपने का एक अवैध आदेश पारित किया था, जिसका अधिग्रहण दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड के लिए किया गया था। मामले को आगे की जांच के लिए तुरंत CBI के हवाले किया जा रहा है। NCP प्रमुख शरद पवार ने BJP शासित राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के उस बयान की कड़ी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो गाय को माँ नहीं कहेंगे उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। पवार ने कहा कि गाय का सभी आदर करते हैं, लेकिन ऐसा कहने का अधिकार CM को किसने दिया? क्या ये देश उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? शरद पवार ने कहा कि ऐसा कहना मजाक करने जैसा है, क्योंकि हम गाय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी जन्म देने वाली माँ हमारी माँ है, तो हम पहले हमारी माँ का आदर करेंगे। गाय का आदर करने की भूमिका हमें मंजूर है, लेकिन गाय को माँ नहीं कहेंगे, उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं। ये बोलने का अधिकार इन्हें किसने दिया? ये देश क्या इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है?
समाजवादी पार्टी में एक तरफ जब चाचा भतीजे के बीच रिश्तों को लेकर घमासान मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद अमर सिंह ने कहा है कि बलराम यादव, शिवपाल यादव और खुद उन्हें अपमानित किया जा रहा है। उनको लगता है कि राज्यसभा सीट के बदले उन्हें अपमान मिला। मुलायम सिंह से बात करने के बाद वे तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अमर सिंह ने कहा कि वे अपना इस्तीफा पार्टी के नेता को नहीं बल्कि हामिद अंसारी को देंगे। इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू उनके आदर्श हैं। अमर सिंह आगे कहते हैं कि अखिलेश यादव फोन पर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हमको मुख बधिर बना दिया गया है। मुलायम सिंह नेता है या नहीं ये तय करना होगा, लेकिन मैं मुलायमवादी हूँ, मुलायम सिंह की वजह से आया था, मुलायम सिंह की इज्जत करता हूँ। सब चीजें मुलायम सिंह से बात करने के बाद ही तय की जाएगी। देश भर में भारी बारिश के बाद आधा देश बाढ़ में डूबा हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों में गंगा कल खतरे के निशान को पार कर गई। पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में गंगा में इतनी पानी भर चुका है कि गंगा के घाट डूब गए हैं। 25 तारीख तक स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। इलाहाबाद में भी ऐसा ही हाल ही देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद, वाराणसी के साथ ही बलिया जिले का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। पास में गाजीपुर भी बाढ़ से बचा नहीं है। बेतवा नदी उफान पर है और यहाँ के करीब 200 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। बिहार में 10 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है। छपरा जिला गंगा, गंडक और सरयू नदी से घिरा है। तीनों नदियाँ उफान पर है और 40 साल बाद छपरा शहर के घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में पानी घुस गया है। बाढ़ ने सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के जिलों को तबाह किया है। कई जिले पानी में डूबे हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है, कई लोगों की मौत हो चुकी है और लोग बेबस होकर बस मदद के इंतजार में हैं। केंद्र ने बिहार और उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में NDRF की 10 टीमों को भेजा है, ताकि इन राज्यों में फंसे असहाय लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया जा सके। 5 टीमों को ओडिशा में इसके बेस से तुरंत तैनाती के लिए हवाई मार्ग से उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। 5 टीमों को ओडिशा में इसके बेस से तुरंत तैनाती के लिए हवाई मार्ग से उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, जबकि बाकी की 5 टीमों को पंजाब के बठिंडा से हेलीकॉप्टर से बिहार भेजा जाएगा। ये टीमें 56 ऐसे दलों के अलावा है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा इन दो राज्यों में बाढ़ राहत अभियान चला रही है। डीजी ने देर रात गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इन राज्यों में बाढ़ के हालात की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई। रियो ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु, साक्षी मलिक को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन दोनों के अलावा ओलंपिक में शानदार खेल दिखाने वाली जिमनास्ट दीपा कर्माकर को भी ये सम्मान दिया जाएगा। पिस्टल निशानेबाज जीतू राय को भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पहला मौका है जब 4 खिलाड़ियों को एक साथ खेल रत्न का पुरस्कार मिलेगा। इस बार 6 को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा, जबकि 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड विश्वेश्वर नंदी, प्रदीप कुमार, महावीर नागापुरी, रमेश सागरमल, दयाल राजकुमार शर्मा को दिया जाएगा। 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रपति ये पुरस्कार खिलाड़ियों को देंगे। भारतीय खिलाड़ी ओपी जेशा ने रियो ओलंपिक में महिला मैराथन स्पर्धा को याद करते हुए कहा कि मैं वहां मर सकती थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें अधिकारियों द्वारा पानी और एनर्जी ड्रिंक मुहैया नहीं कराया गया था, जबकि भारत को निर्धारित स्टेशन दिए गए थे। जेशा रियो ओलंपिक की महिला मैराथन स्पर्धा में निराशाजनक 2 घंटे 47 मिनट 19 सेकंड के समय से 89वें स्थान पर रही थी। जेशा ने कहा, वहाँ काफी गर्मी थी, स्पर्धा सुबह 9 बजे से थी, मैं तेज गर्मी में दौड़ी, हमारे लिए कोई पानी नहीं था, ना ही कोई एनर्जी ड्रिंक थी और ना ही कोई खाना। केवल एक बार 8 किलोमीटर में रियो आयोजकों से मुझे पानी मिला, जिसे कोई मदद नहीं मिली। सभी देशों के प्रत्येक 2 किमी पर अपने स्टॉल थे, लेकिन हमारे देश का स्टॉल खाली था। जेशा फिनिश लाइन पर मैराथन पूरी करने के बाद गिर गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। नरसिंह को उनके बाउट से कुछ घंटे पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल पंचायत ने 4 वर्ष का बैन लगाकर ओलंपिक से बाहर कर दिया था। घर लौटने के बाद नरसिंह ने कहा कि अगर इस पूरे षड्यंत्र की CBI जांच नहीं कराई गई तो भविष्य में खेल को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा, मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो, मुझे 1 अगस्त को क्लियर किया गया था। नाडा अगर वाडा को पहले ही रिपोर्ट भेज देती तो मामले की सुनवाई मेरी बाउट से कुछ घंटे पहले नहीं होती। ये एक बड़ा षड्यंत्र है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे अपने वकील को रियो बुलाने तक का समय नहीं दिया गया। जो लोग इस साजिश के पीछे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और मैं प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी गुहार लगाऊंगा।
वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कटरा से अर्धकुमारी तक नया ट्रैक बन रहा है जिसे अगले कुछ महीनों में यात्रियों के लिए खोला जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से बन रहे इस नए ट्रैक पर हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के चलते सिर्फ पैदल यात्री ही यात्रा कर पाएंगे। पुराने यात्रियों के साथ घोड़े, खच्चर और पिट्ठू भी चलते हैं। नया ट्रैक कटरा से करीब 1 किलोमीटर दूर कटरा रियासी सड़क पर बालिनी पुल के पास से बन रहा है। इस ट्रैक की लंबाई 7 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। नए ट्रैक पर आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस ले जाने की भी सुविधा है। इस नए ट्रैक को हाईटेक बनाया जा रहा है और इसमें कई आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। श्राइन बोर्ड के मुताबिक इस नए ट्रैक पर हाईटेक शेल्टर बनाए जाएंगे जिसका डिजाइन तैयार करने के लिए कई कंपनियों से बात चल रही है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी से। नमस्कार। We'll be right back.